ड्राई फ्रूट्स तो काफी सारे होते हैं और ड्राई फ्रूट्स किसको नहीं पसंद होते हैं। सभी को ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और कई सारी लोगों की पसंद होती है कि मैं यही सिर्फ खाता हूँ, मैं यही सिर्फ खाती हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो हम न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं और ड्राई फ्रूट्स जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है और जो हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और इन्हीं ड्राई फ्रूट में से एक ड्राई फ्रूट है अखरोट। अखरोट जो है वो एक बहुत ही यूनिक चीज है, एक बहुत ही हेल्दी चीज है, जिसके जिसका जो शेप है वो ब्रेन जैसा होता है, आपने देखा होगा, और इसीलिए वो ब्रेन पर और हार्ट पर बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है लेकिन उसके पोषक तत्वों की वजह से, यानी कि उसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशंस है उसकी वजह से ये आपके ब्रेन पर और हार्ट पर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सिर्फ ये दो चीजें ही नहीं है, दूसरी और भी कई सारी चीजें हैं जिस पर अखरोट काम करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर रोज रात को भीगे हुए अखरोट खाते हैं, यानी कि रोज रात को भिगो कर और सुबह में वो अखरोट खाते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, पास वाला बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके, आप तुरंत ही मेरे वीडियो देख सकें। तो सबसे पहला फायदा इसका जो है वो आपके ब्रेन के लिए है। तो आखिर ब्रेन की बात कर ही ली है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी याद शक्ति को बढ़ाता है, और खास करके जो ओल्ड एजेड पीपल है जो जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि ओल्ड एजेड पीपल में ऐसी सारी बीमारियाँ आने लगती है, पार्किंसंस डिसीज है एंड ऑल। तो ये सारी बीमारियों के कारण जो भी चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं तो उन्हें उनके लिए ये जो अखरोट है वो काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि ये ब्रेन पर काफ़ी अच्छा काम करता है। दूसरा, हमने बात की थी हार्ट की, हार्ट में ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें फिर से अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बीपी लेवल को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। तो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि आपका बीपी मेंटेन रहेगा तो आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात बता दूं तो आपको एनर्जी से भरपूर रखता है अखरोट, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, और B12 इसमें भरपूर मात्रा में होता है। साथ में इसमें मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। साथ में इसमें कॉपर, जिंक और काफ़ी सारे जो विटामिन और पोषक तत्व है वो होते हैं। मैं तो बताते बताते भी थक जाऊंगी। तो इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व है जो आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और अगर मैं नट्स खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अखरोट के लिए ऐसा नहीं है। अखरोट में सारी जो कैलोरीज है, सारे जो फैट्स है, जिसमें अनसेचुरेटेड फैट है और जो कि वेट मैनेजमेंट को सही बनाने में मदद करता है, यानी कि वेट को बैलेंस रखने में मदद करता है। तो अगर आप ये अखरोट खाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें होता है ALA नाम का फैटी एसिड और ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट बता दूं तो ये आपके शरीर में स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। अगर आप जो स्पर्म काउंट है वो डिपेंड करते हैं आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपके स्पर्म काउंट की जो मोबिलिटी है, जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज करने का काम अखरोट करता है, क्योंकि अखरोट में होता है अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत सारी चीजों में काम कर रहा है,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आप कौन सी चीजों में से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लूँ तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप अखरोट को रात को भिगोकर सुबह जरूर खाएं, आपके बच्चे के लिए भी फायदेमंद है, साथ में आपको भी एनर्जी देगा ये। लास्ट में आपको बता देती हूँ तो स्किन को भी इसने बाकी नहीं रखा है, स्किन पर भी काफी अच्छा काम करता है, स्किन में ग्लो लाता है क्योंकि इसमें होते हैं विटामिन बी ट्वेल्व और साथ में बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि दूसरे B6 विटामिन भी है इसमें, तो ये स्किन को ग्लो करता है। साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण आपके स्ट्रेस को दूर रखता है, और अगर आपके स्ट्रेस दूर रहेगा आपके माइंड में से तो आपके फेस पर रिंकल्स नहीं होंगे, और अगर रिंकल्स नहीं होंगे तो आप हमेशा जवान दिखेंगे, तो ये आपकी एज को भी कम दिखाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करती हूँ कि आज से आप अखरोट खाना ज़रूर चालू करेंगे और मुझे ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।